नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे कि अमेरिकन एम्बेसी इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के ही विरुद्ध क्यों हो गए, तथा वो कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिससे अमेरिकी क्रांति का होना निश्चित हो गया। तो आप हमारे साथ बने रहें, शुरू करते हैं। सन 1607 ईस्वी में अंग्रेजों ने जेम्स टाउन नामक अमेरिका में अपनी पहली बस्ती स्थापित किया। इसके साथ ही अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश हो गया, आसान भाषा में कहें तो गुलाम हो गया। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए अमेरिका गुलाम रहता, कभी न कभी तो उसे आज़ाद होना ही था। इसी बीच सन 1756 ईस्वी में अमेरिकी ज़मीन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी रहते थे। 7 वर्षीय युद्ध का अमेरिकी क्रांति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के दौरान अमरीकियों ने अंग्रेजी सेना को कोई विशेष सहायता नहीं दी। इतना ही नहीं, कई बार अंग्रेजी सेना के लिए आई युद्ध सामग्री लूटकर चोरी छिपे फ्रांसीसी सेना को बेचा भी। इसके अतिरिक्त युद्ध काल में भी वो फ्रांस के साथ व्यापार करते रहे, जिसके कारण उपनिवेशियों को बहुत लाभ हुआ तथा उद्योग क्षेत्र में विस्तार भी हुआ। उत्तरी कनाडा पे फ्रांसीसियों का कब्जा था, जिसे अंग्रेजों ने हरा कर उस पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों के साथ दे रहे कुछ अमरीकी उपनिवेशियों ने युद्ध अभ्यास सीख लिया। आगे होने वाले अमरीकी क्रांति में इस युद्ध अभ्यास का असर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ उपनिवेशी इस विशाल वर्जित क्षेत्र में अपने तीव्र गति से बढ़ रहे जनसंख्या के साथ साथ स्वयं लाभ उठाने को आतुर थे। इधर 7 वर्ष चले 7 वर्षीय युद्ध से इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, तथा वो अपने उपनिवेश से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। इंग्लैंड सरकार का मानना था कि अमेरिका उपनिवेश में बसे इंग्लैंड के लोग उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में उनकी मदद करेंगे, मगर उपनिवेशी लोग इस परिस्थिति में साथ देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उपनिवेशी लोग जब अमेरिका के कुछ क्षेत्र एलगनीज, फ्लोरिडा, मिसिसिपी तथा क्वेब पे अपना नियंत्रण कर चुके थे, तब ब्रिटिश सरकार ने अमरीकी मूल निवासी रेड इंडियंस को शांत करने के लिए इस क्षेत्र को खाली करवा दिया, तथा पश्चिम की ओर इनका प्रसार रुक गया, जिसके कारण उपनिवेशी लोग ब्रिटिश सरकार को अपना शत्रु मानने लगे, तथा अमेरिका में बसने वाले अंग्रेज खुद पर हुए अत्याचार से परेशान होकर इंग्लैंड छोड़कर आए थे, और कुछ लोग आर्थिक लाभ उठाना चाहते थे। इन लोगों में कुछ कैथलिक थे जो इंग्लैंड के साथ थे, कुछ प्रोटेस्टेंट थे जो इंग्लैंड के खिलाफ थे, जिसके फलस्वरूप धर्म संबंधित मतभेदों ने जन्म लिया, मगर जल्द ही वो अपना मतभेद भूल गए। 5 अप्रैल सन 1764 ईस्वी को ब्रिटिश सांसद ने एक कानून पारित किया जिसका नाम शुगर एक्ट था। 1765 तक 3 और कानून बन गए, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट तथा क्वार्टरिंग एक्ट। शुगर एक्ट के अंतर्गत अन्य देशों से आने वाली आयात पे रोक लगा दिया गया। सीमा सुरक्षा बढ़ाकर समुद्र में ब्रिटिश युद्ध पोतों को आदेश दिया गया कि किसी भी तस्करी जहाज एवं क्रू मेंबर और व्यापारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दें। इस तरह बाहरी देशों से आने वाली आयात को पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया। करेंसी एक्ट के तहत दूसरे देश की कागजी मुद्रा पर रोक लगाना था, जिसे व्यापार के लिए सिर्फ अंग्रेजी मुद्रा का उपयोग। क्वार्टरिंग एक्ट के माध्यम से अमेरिका में इंग्लैंड की सेनाओं को रख रखा एवं खर्चा उपनिवेशियों को उठाना पड़ा। स्टाम्प एक्ट के अनुसार समाचार पत्र, बेचने खरीदने की लाइसेंस तथा हर वो चीज़ जिसमें कागज उपयोग किया जाता था स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत रख दिया गया। एक स्टाम्प की कीमत लगभग 6 पाउंड थी। स्टाम्प एक्ट का जिस तरह विरोध हुआ वह नई हवा या नई विचार का प्रतीक था। उस वक्त तक अमरीकियों में आपसी तालमेल नहीं थी, मगर स्टाम्प एक्ट ने इन्हें बिजली की तरह एक कर दिया। सन 1765 में ही इंग्लैंड से ग्रीनवेल की सरकार गिर गई और अंकिघम सरकार बनी, जिसने स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया तथा नया एक पारित किया जिसके तहत इंग्लैंड की सरकार को अमेरिका पर टैक्स बढ़ाने का पूरा अधिकार था। मगर जल्द ही अंकिघम सरकार का भी पतन हो गया। अब विलियम पिट ने नई सरकार बनाई जिसमें टाउनसेंड अर्थमंत्री थे। टाउनसेंड को लगता था कि अमेरिका आंतरिक टैक्स का विरोध करता है, मगर बाहरी टैक्स का विरोध नहीं करेगा। सन 1767 ईस्वी में 5 वस्तुओं, चाय, शीशा, कागज, धातु तथा सिक्का का सीमा शुल्क बढ़वा दिया, जिनका आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था, पर अमरीकियों ने इसका खुले रूप से विरोध किया। किसी भी प्रकार के टैक्स ना देने का घोषणा कर दिया। बोस्टन बंदरगाह पे चाय से लदे 3 ब्रिटिश जहाज़ों को खाली कर चाय समुद्र में फेंक दिया।
इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया। इंग्लैंड द्वारा लगाए गए इन अधिनियमों को अमेरिकियों ने पूर्ण रूप से विरोध किया। कई जगहों पर दंगे भड़क उठे, सैनिकों की टुकड़ियां बुलानी पड़ी, सैनिकों और भीड़ में टकराव हो गया। सैनिकों ने अपनी बचाव में गोलियां चला दी जिसमें 5 लोग मारे गए। इस घटना को बोस्टन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। सन 1774 ईस्वी फिलाडेल्फिया में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें अमेरिकी लोग अपनी सारी नाराजगी एक पत्र में लिखकर ब्रिटिश सरकार को भेज दिया। ब्रिटिश सरकार के जवाब आने के बाद ही सन 1775 ईस्वी को अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हो गई। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक, शेयर और चैनल